विवाहित महिलाओं की, कुछ विवाहित पुरुषों की दिक्कत आई कि हमसे मैरिज सर्टिफिकेट मांगते हैं। उनका मैरिज सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है पासपोर्ट के लिए, तो हमने काट दिया कि नियम उड़ा दो, किसी विवाहित पुरुष या स्त्री को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता नहीं है पासपोर्ट लेने के लिए। उसके बाद डाइवोर्सी महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत आई, ट्रॉमा में कुछ महिलाएं आकर के मुझे मिली, सब आपके पासपोर्ट अधिकारी कहते कि इसमें पूर्व पति का नाम लिखो, हमारा बच्चा ट्रॉमा में आ जाता है जब इस तरह का सवाल पूछा जाता है उससे। तो मैंने कहा तय करो, ना तो डाइवोर्स की डिग्री दिखाने को कहा जाएगा, उसकी भी अनिवार्यता समाप्त करो, और न किसी तलाकशुदा पत्नी से उसके पूर्व पति का नाम मांगा जाएगा। मैं आपको बता नहीं सकती कि उसके बाद कितने ज़्यादा पत्र मुझे आए, कितने ज़्यादा ट्विटर पर मुझे मैसेजेस आए, और कितनी महिलाएं मुझे मिलने के लिए आईं कि मैम आपने हमारी ज़िंदगी सुधार दी, ये एक चीज़ आपको अनावश्यक लगी लेकिन आपके वहाँ काउंटर पर बैठे हुए लोगों को अनावश्यक नहीं लगती थी। तो मैंने कहा अब नियम में परिवर्तन हो गया, अब आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं।